अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इफ्तारी के टाइम। ये देखिए मैं किचन में खड़ा हूँ अभी, अब तक चावल नहीं बने और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। देखते हैं कि इफ्तारी तक हमारा ही खाना खुना तैयार होता है कि नहीं। आई रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह, हाँ ने नेमतें है ये मगफिरत और रहमत कमां, नहीं और किसी माँ की यूं अजमतें, नहीं और किसी माँ की यूं अजमतें। पालक हमारी बनती रहेगी, अभी हमने आलू भी नहीं डाले पालक में, ये भी याद नहीं आता बताना। अभी आलू डालेंगे पालक में। चावल कितने पड़े हैं? ये चावल पड़े हैं इतने से, तो चावल हैं सारे पकेंगे। तो मतलब सात ये वाले कप बना देता हूँ, वाइट वाले। ये क्या एक कप, बिस्मिल्लाह, दो कप, ये हमारा यार तीसरा कप, इसमें चौथा कप गिरी जाने का, रमजान का छः कप, ये पाँचवा कप हो गया, तो ये हमारा सिक्स्थ कप, सात कप आ सकते हैं, सात कप आ गए, साढ़े सात कप, वो तो पता ही नहीं मुझे, ये हम डाल दिया साढ़े सात कप। ये पहला पानी हमने चावलों को धो दिए पहले पानी में। रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह, थाने नेमतें है ये मगफिरत और रहमत कमा, नहीं और किसी माँ की यूं अजमतें, नहीं और किसी माँ की यूं अजमतें। अचानक चावल धुल गए हैं, अब ये बस आखिरी बार इन्हें रिंस करना, उसके बाद हमने डाल देना है इसमें पानी, इनको बॉयल होने के लिए रख देना। जब तक ये बॉईल होएंगे हम उतनी देर बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे अपनी। आपके सामने रखूँगा बॉईल को, ये आखिरी बार रिंस कर रहे हैं, इसके बाद आपको बॉईल आते रहेंगे। रेसिपी तो आपको मैंने बताई नहीं, वो ये निकल गया पानी अब अंदाजे से, अंदाजे से क्या, ओए फिर पानी डाल दिया, ओए गाया ना मुझे। तो फिर चला दिया हमने गिलास से, बनना है पानी तो कितने गिलास का, 7.5 का मगफिरत और रहमत कमा, नहीं और किसी माँ की यूं बन जाएंगे। ये तो एक बार के चावल हैं, सालन तो ज़्यादा, दोबारा चावल बना के यूज़ करेंगे। आलू को गलने के लिए रखा हुआ है, ये डाल देते हैं, आलू गलते रहेंगे। अभी नमक डालना था उसमें, नमक ढूंढते हैं, नमक मिल गया, अब नमक डालेंगे इसमें चावलों में, जीरा भी डाल देते हैं, हल्दी लग गया अपना, ये ज़ीरा, ये हमें मिल गया अपना ज़ीरा, ज़ीरा भी डाल देंगे इसमें, इतना सा कलर डाल देते हैं चावलों में। चलो चावलों को भी थोड़ा फैशन करने का मौका मिला, इतना सा डाल देते हैं, इतना ज़्यादा हमने डालना नहीं है क्योंकि कौन सा बिरयानी बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह, मुश्किल था एक आसे था ना, लेकिन रख दिए। चावल ये कौन सा है, फुल कर दिया, चावल में डालने के लिए कोई चमचा आया, ये चावलों के लिए चमचा आ गया, बड़े वाले चूल्हे पर ट्रांसफर कर दिया, चाह के जल्दी पक जाए, ठीक हो गया डालो, ये भी हम इसके बर्तन रख लेंगे, ढक्कन तो हमें इसका मिला नहीं, जुगाड़ करेंगे, पैक तो कोई नहीं डंडा उल्टा कर,
तवा भी टेढ़ा हुआ अपना पकने में ना। हाँ सही पकाएंगे नहीं चावल, चावल पकने टाइम लगेगा। ये आलू गल रहे हैं, ढक्कन देना था इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इलायची का कूट के इसमें डालना। जब लड़के खाना बनाते हैं ऐसे ही करता है, शुरू में डालने वाली चीज एंड पे डालते हैं। अच्छी आ गई दिल रुबा हो गई, लगायूं के राजी खुदा हो गया, करम की कुछ ऐसी अता हो गई। कुट गई है ये, इसे उतार लेते हैं। कितनी गर्मी है इसके ऊपर, वो बहुत फंसनी है। इसको कोली में डाल के फिर से डाल देंगे। डाल गया प्लेट में बिहाइंड द कैमरा, उसका ढक्कन फिर उठाएंगे। अभी हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये पक रहा है अपना, आलू देख लेते हैं। इस प्लेट में निकाल के तो फिर आलू को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इसे रख लेते हैं। वाह, आलू तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं, पकने वाले हैं। चलो इस प्लेट को साफ कर लेते हैं। जितनी देर आलू चावल पकने में का, थोड़ी देर इधर गिर्द की सफाई कर लेते हैं। ये हमने इसको उतारा, चावलों को थोड़ा घुमा दिया, ये ऊपर आ जाते हैं, सफाई करी मिलते हैं। ये देखें छोटी मोटी जो सफाई थी वो कर दी है, इतना गंदा नहीं था, पानी भी गिरा था। इधर साफ कर देते हैं, कपड़ा बड़ा खुश है, पानी छोड़ लेता सारा। सफाई हो गई, देखें जैसे आसानी से सफाई होती है। इवन वाइट आई चेंज कर दी, ये आप भी अपना वाले मैसेज चढ़ेगा है ना। अच्छी चीज़ है ये, लगा दो बंदा। चावल चेक करें कैसे हैं, चावल तो अभी बहुत दूर है। थोड़ी सी टेस्ट करते हैं आलू को, किधर गया आपका पेड़ा कच्चा आलू भी। आई थिंक जो चेक किया था ना बहुत ज़्यादा पका हुआ था, बाकी तो कच्चे लग रहे हैं। 15 मिनट और देंगे तो सही ठीक हो जाएगा। चलें ओके, अफ्तारी भी मिलते हैं। हो गई मुखालिफ हवा दिल रुबा। अस्सलाम वालेकुम, अच्छे से नमाज पढ़े वापस आ गए। ये देखें खाना वगैरह पक गया, चावल अभी तक गल रहे हैं, आलू अभी तक गल रहे हैं, चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तारी भी और अच्छी तैयार हो गई है, फ्रूट चाट बनाई थी, चावल तकरीबन हो गया और ये आलू भी गाल चुके हैं। चलें अभी हम टेबल से जाते हैं, टेबल दिखाते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज आज की इफ्तारी के लिए। हो गई मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई, लगायूं के राजी